पांच रूल्स जिससे शेयर मार्केट में पैसा आसानी से बनेगा, शेयर मार्केट को समझना आसान कर देंगे, ये पांच रूल्स को पकड़िए, समस्या का समाधान कर देंगे। वेलकम टू पावर ऑफ इन्वेस्ट एकेडमी, मेरा नाम है अंकित नारंग। रूल नंबर वन, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका कम से कम 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बाजार में मिलना चाहिए। डिस्क्लेमर, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। रूल नंबर टू, कंपनी की जो ग्रोथ है वो GDP ग्रोथ के मुकाबले 2 गुना होनी चाहिए। रूल नंबर थ्री, प्रमोटर का कंपनी में कम से कम 11% का स्टेक होना जरूरी है, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है एक अच्छी कंपनी के लिए। रूल नंबर फोर, जो कंपनी को चला रहा है उस पे नज़र रखो, उसे बोलते हैं लीडरशिप, और लीडरशिप एक कंपनी की बेस लाइन होती है। रूल नंबर फाइव, कंपनी का रिवेन्यू और उसका यूनिट सेल 10% से ज़्यादा बढ़ने चाहिए, और दोनों में फ़र्क होता है। रिमेंबर दिस, जिस कंपनी का कैश फ्लो खराब है और जिस कंपनी में हर महीने हर साल लगातार ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब उस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, वहाँ तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। कंपनी का इकोनॉमिक साइकिल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पिछले 11 साल में कंपनी ने कोई इलीगल एक्टिविटी ना की हो, कंपनी की ऑपरेटिंग हिस्ट्री जरूर चेक करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आईशेयर कंपनी 73 साल से चल रही है, आज से 11 साल पहले वो 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, आज 3600 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी की अच्छी ग्रोथ है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। अब ब्रिटानिया को ही देख लो, 131 साल पुरानी कंपनी है, 2011-12 में 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और आज 4600 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगर आज चाहते हो मार्केट में पॉजिटिव आस, तो याद रखिए पिछले 11 साल का इतिहास। अब हम रेडिको खेतान का एग्जांपल लेते हैं। 2011-12 में देश की GDP 6% थी और रेडिको खेतान 23% से ग्रो कर रहा था, और रेगुलर ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कंपनी ठीक है। सबसे बड़ी बात, अगर कंपनी की मैनेजमेंट ठीक होगी तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं तो कंपनी ग्रो कर ही नहीं पाएगी। आपके फायदे की बात, ये पांच रूल्स अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको अच्छे स्टॉक्स फाइंड करने में आसानी होगी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, दिस इज द वॉइस ऑफ अंकित नारंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।